नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आईडिया में किस तरीके का खबर आ चुका है और उसका प्राइस के ऊपर, पर्टिकुलरली आईडिया के शेयर प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल न्यूज़ देखेंगे और फिर उसके बाद प्राइस एक्शन के हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि स्टॉक प्राइस के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले मैं लेकर आता हूँ आपको फंडामेंटल न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 सितंबर के दिन जो बोर्ड मीटिंग हुआ था, वो बोर्ड मीटिंग में ये फैसला हो चुका है कि 25,000 करोड़ का वो फंड रेजिंग करेंगे। और ये फंड रेजिंग किस तरीके से करेंगे, तो डेब्ट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करेंगे और ये किस्तों में होने वाला है। मतलब एक साथ 25,000 करोड़ का फंड रेजिंग नहीं होगा, ये किस्तों किस्तों में ये फंड रेजिंग किया जाएगा। और उसका इस्तेमाल किस लिए करने वाले हैं ये लोग, उसका इस्तेमाल करने वाले हैं टू पे द स्टैट्यूटरी ड्यूज एंड इन्वेस्ट इन द नेटवर्क। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात आइडिया को क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है एजीआर केस में, तो एजीआर केस में उनको 10 साल का टाइम दे दिया है, तो उसमें उनको वो ड्यूज जो है वो पे करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा नेटवर्क के लिए, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर्स है उनका पहला कॉम्पिटिटर जो है वो जियो है और दूसरा कॉम्पिटिटर जो है वो एयरटेल है, तो उनके कंपैरिजन में मार्केट में टिकने के लिए उनको नेटवर्क में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सब के लिए उनको पैसे की ज़रूरत होगी और वो पैसा जो है वो अभी बोर्ड ने अप्रूव किया है 25,000 करोड़ का, और ये 25,000 करोड़ का पैसा ये सब बातों के लिए उनको लगने वाला है। तो अभी इसका प्राइस एक्शन के हिसाब से स्टॉक के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैं लेकर आया हूँ आपको आईडिया के डेली के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने आइडिया का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। तो जब भी हम लोग प्योरली प्राइस एक्शन के हिसाब से एनालिसिस करते हैं दोस्तों, तो प्राइस एक्शन में आपको पता रहेगा मार्केट जो है, मार्केट इस तरीके का मोमेंटम देके अप साइड में जाता है, और जब भी मार्केट को डाउन साइड आना रहेगा तो इस तरीके का मोमेंटम देता है। तो ये जो बीच का जो झोन रहता है, रिट्रेसमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो रिट्रेसमेंट को आपको कैलकुलेट करना पड़ता है और उस हिसाब से आने वाले समय में डिसीजन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बात आपको क्लियर होती है कि जब भी मार्केट ये लो ब्रेक करता है और नीचे जाता है, दोबारा मार्केट जो स्विंग लो बनाया हुआ रहता है उसको ब्रेक करता है और नीचे जाता है, उसी तरीके से जब भी मार्केट ये स्विंग हाई बनाया रहता है, ये स्विंग हाई को ब्रेक करता है तो ऊपर जाता है, दोबारा जब जो स्विंग हाई बनता है तो उसको जब मार्केट ब्रेक करता है तो ऊपर जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा था, मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाया और जब तक मार्केट ये स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला। यहाँ पे ये बीच का जो जोन आ रहा है ये प्योरली कंसोलिडेशन का जोन आ रहा है। ये कंसोलिडेशन का जोन में जब तक मार्केट बना रहेगा तब तक आप लोगों को मार्केट उसी रेंज में घूमता रहे फिरता दिखेगा। तो ये जो कंसोलिडेशन का जोन है, ये कंसोलिडेशन के जोन को मार्केट ने ब्रेक करना चाहिए विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड क्लोजिंग बेसिस। मतलब जो क्लोज है वो क्लोज 13 रुपए के ऊपर होना चाहिए, प्लस यहाँ पे वॉल्यूम का कंफर्मेशन भी मिलना चाहिए, तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि आने वाले समय में एक बड़ा मूव हम लोगों को दिखने को मिल सकता है। और ऊपर की साइड में मार्केट कितना मूवमेंट देगा, तो यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन जोन का जो हाइट रहता है, मान लो कि ये 8 रुपए से लेके ऑलमोस्ट 13 रुपए तक बना हुआ है, मतलब यहाँ पे ये 5 रुपए का यहाँ पे कंसोलिडेशन का जोन बन चुका है। तो ऊपर की साइड में 13 रुपए से लेके 5 रुपए अगर हम लोग ऐड करते हैं उसमें, तो ऑलमोस्ट 18 रुपीज का यहाँ पे टारगेट बन रहा है। तो अगर ये कंसोलिडेशन जोन को मार्केट ब्रेक करता है विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो ऊपर की साइड में आपको 18 रुपए तक का मोमेंटम दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे ब्रेकआउट होना इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ऊपर जाके नीचे आ गया, इस दिन वो डिसीजन आ चुका था और फिर उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट होता है और फिर उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो वो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आपको मिल सकता है। प्योरली प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहता है और अप ट्रेंड के बाद एक रेंज बाउंड फेज में चला जाता है, तो ये रेंज बाउंड फेज जितना लंबा रहता है उतना बढ़िया ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम आता है। तो ये रेंज बाउंड फेज को अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देता है विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो बहुत स्पीडली मार्केट वन साइडेड मोमेंटम दिखा देता है।
तो यहाँ पे आपको थोड़ा अभी वेट करना पड़ेगा कि मार्केट कितने दिन यहाँ पे कंसोलिडेट होता है, और फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा तब जाके अगर आप इनिशिएट करोगे ट्रेड तो आपको एक बढ़िया मोमेंटम कैच कर सकते हो। तो इसी तरीके का सिंपल प्राइस एक्शन में मेरे खुद के अकाउंट में ट्रेड करने के लिए यूज करता हूँ। और ये जो अपना टेलीग्राम का चैनल है यहाँ पे मैं फ्री में इंट्राडे के सिग्नल भी देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने कैडिला हेल्थ केयर का सिग्नल दिया था, और जो सिग्नल मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ सेम सिग्नल मेरे खुद के अकाउंट में ट्रेड करने के लिए यूज करता हूँ। और यहाँ पे मैंने मेरे खुद के अकाउंट का रियल ट्रेड प्रूफ भी दिखाया हुआ है विद द एक्सचेंज एग्जीक्यूशन ऑर्डर नंबर और एग्जीक्यूटेड स्टेटस के साथ। तो ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है ये मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ये लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट इंट्राडे के सिग्नल्स मिल जाएंगे। उसी तरीके से यूट्यूब के ऊपर अपना एक एजुकेशनल चैनल है, चैनल का नाम है नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर। ये चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज ऑलरेडी डाले हुए है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये वीडियो को आप लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद शेयर कीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाएगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक का कम्प्लीट टेक्निकल एनालिसिस करके चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे उस स्टॉक का नाम बता दीजिए, तो मैं मेरी तरफ से वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।